कैसे हैं आप सब। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ फार्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम तीन तरह के फार्मूला यूज करते हैं टू राइट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम लिखने के थ्री मेथड यूज करते हैं या तीन तरह के हम फार्मूलाज हैं जिनको यूज करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं या उनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो मैं इनको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला, कंटेंट फार्मूला और लाइन फार्मूला, ये तीन टाइप के फार्मूलाज हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है मैं कहता हूँ वो 6 है। ठीक है, चलें मैं ड्रा करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उनको लगाया जाता है, मतलब अलहदा अलहदा करके लिखा जाता है। कार्बन है, उसके साथ ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया। ठीक है, सिमिलरली इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे आ गया, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, 4 बॉन्ड हम पूरा कर रहे हैं। तो बेटे अगर तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से लिखा हो जिसके अंदर हमने सारे कार्बन के साथ जो लगे हाइड्रोजन है उनको इस तरह ओपन फॉर्म के अंदर लिखा हो, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। अच्छा, अब एक फार्मूला होता है कंडेंस फार्मूला, कि हम इनको इकट्ठा करके लिख लें बजाय इसके कि हम इनको अलग लिखें हाइड्रोजन को। ठीक है, मतलब कैसे, अगर मैं इसको लिख दूं कि ये कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है तो फिर भी बात ठीक है तो 3 हाइड्रोजन ना, बाकी अंडरस्टूड है मुझे कैसे लगे होंगे। सिमिलरली ये कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो मैं इसको CH2 लिख दूं, ये कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है मैं इसको CH2 लिख दूं, ये कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब अगर मैं बेटे इस फॉर्म के अंदर भी लिख लूं तो फिर भी मेरे पास ये वही कंपाउंड है जो ऊपर मैंने ड्रा किया। ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है, बस ये स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमने ड्रा किया और ये हमने कंडेंस कर दिया, उसे कंडेंस फार्मूला बना लिया। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास जो फार्मूला इस फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज कंडेंस फार्मूला। अब इसको, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंडेंस करते हैं, आप इससे ज्यादा कंडेंस भी कर सकते हैं। मतलब मेरा दिल करता है कि मैं ये बॉन्ड शो ना करूं तो ना करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 CH2 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 CH2, कितने हो गए? 2, 4 और उसके बाद आपके पास आ गया CH3। लिखा आपने, अब भी ये हेक्सेन ही है लेकिन आपने सिंपल क्या किया, इनके बॉन्ड को शो नहीं किया और कंडेंस कर लिया, है अब भी ये कंडेंस फार्मूला। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे, वो आपकी मर्जी। आप इसको और भी कंडेंस कर सकते हैं, है ये भी हेक्सेन लेकिन CH3 है, उसके बाद CH2 लगा है, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, CH3, जैसा कि यहाँ पे है, ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है और ये भी हेक्सेन है। आपका दिल करे बेटे इसको और कंडेंस कर ले, कैसे? ये देखिए एक चीज कॉमन है ना इसके अंदर, ये CH2 कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और कंडेंस कर ले कि CH3 है और उसके बाद आपके पास क्या है? CH2 है, वो कितने हैं? 4 है, फिर उसके बाद CH3 आ जाता है। ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है, ये भी हेक्सेन है। तो कंडेंस फार्मूला बेटे आप पे डिपेंड करता है आप कितना कंडेंस करके उसको लिखना चाहते हो। कंडेंस का मतलब क्या? इकट्ठा करके लिखते हैं, ये सिर्फ हम अपनी ईज के लिए करते हैं। तो बेटे अभी हमने क्या समझा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो ओपन फॉर्म में होता है, कंडेंस में हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना कंडेंस करेंगे। तीनों फार्मूला जो आपके पास मैंने लिखे हैं दैट आर कंडेंस फार्मूला। ठीक है, अब रह गया एक, दैट इज लाइन फार्मूला। केमिस्ट जो होते हैं बेटे उनके पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही वो इतना गंद मचा सकते हैं कि बार बार हाइड्रोजन पूरे करते रहे और कार्बन लिखते रहे। वो सिंपल, अगर इस हेक्सेन को लिखना चाहें तो वो हमेशा ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये जो मैंने सिंपल सी लाइन एक ड्रा की है दैट इज ऑल्सो हेक्सेन, ये भी हेक्सेन। अच्छा सर, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे ड्रा किया? बेटे याद रखिएगा, हर एक कॉर्नर एक कार्बन को शो करता है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कार्बन।
आप जब ये फॉर्मूला लिखेंगे तो इसमें आप जितने कॉर्नर बनाएंगे आप उतने हाइड्रोजन को शो कर रहे, कार्बन को शो कर रहे हैं। मतलब मैंने इसके अंदर जब इसको लिखा, मैंने इस लाइन को बनाया, तो मैंने इसके अंदर 6 कॉर्नर बना दिए, 1 2 3 4 5 6। अब हर कॉर्नर बेटे एक कार्बन को शो कर रहा है। हाइड्रोजन पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमें पता होगा कि हाइड्रोजन कितने हैं, हमें पता होगा, ठीक है। तो दिस इज क्या, ये भी हमारे पास क्या है, हेक्सेन। तो आपके पास ये तीन तरह के फार्मूला मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चरल, कंडेंस, वो आपकी मर्जी जितना मर्जी कर लें, एंड दैट इज लाइन फार्मूला, ठीक है। लाइन फार्मूला कैसे ड्रा करते हैं, जितने कार्बन हो आप उसी लिहाज से फिर उनको अब उतने कॉर्नर्स बना देते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये लाइन फार्मूला को, स्ट्रक्चरल को और कंडेंस फार्मूला को, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बेटे, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो ये है, तीन कार्बन कार्बन पे कंसिस्ट कर रहा है, और एक नीचे यहाँ पे ऐसे कार्बन लगा है, कार्बन ऊपर ऐसे लगा है। हाइड्रोजन पूरे कर दें, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा रेस कर दूं आपके सामने के लिए, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे। तो ये जो आपने लिखा है दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे कंडेंस कर दूं, कंडेंस कैसे होगा, इसको मैं लिख लेता हूं इस पोर्शन को CH3, ओके। उसके बाद कार्बन है, फिर वो पोर्शन आ गया एक और, दैट इज CH3, मैंने लिख लिया। इस पोर्शन को भी मैं लिख देता हूँ CH3, मैंने लिख लिया। इस पोर्शन को भी मैं लिख देता हूँ CH3, मैंने लिख लिया। सो दिस इज द कंडेंस फार्मूला, ये क्या है, कंडेंस फार्मूला, ठीक है। तो अगर आप इसको और कंडेंस करना चाहो भी लिख सकते हो, कैसे, आप इसको ऐसे लिख लो कि CH3 है, उसके बाद एक कार्बन है, ठीक है, CH3 है और उसके बाद एक कार्बन है, और उस कार्बन के साथ 2 CH3 लगे हुए, और फिर उसके बाद एक CH3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कंडेंस करना आप पे डिपेंड करता है, आप कितना कंडेंस करते हैं, ठीक है। तो बेटे बेसिकली चीज तो यही है। अब इसका नाम क्या है हमारे पास, इस कंपाउंड का जो नाम है हमारे पास, दैट इज 2,2-dimethyl, ठीक है, हाइफन आनी है यहाँ पे, 2,2-dimethyl प्रोपेन। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका कंडेंस फार्मूला है, ये भी कंडेंस है, ठीक है जी। अब लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे, आप देखिए कार्बन कितने हैं, एक चेन में 3, तो मतलब आपको 3 कार्बन बनाने हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो आपने 3 कार्बन बना लिए, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, यहाँ पे तीसरा कार्बन है, ओके। अब ये तो आपने सिर्फ इतना बनाया ना, अब क्या है, सेकेंड कार्बन पे हमारे पास एक कार्बन ऊपर लगा है, मतलब मुझे एक कॉर्नर और बनाना है, एक कार्बन नीचे लगा था, मुझे एक कॉर्नर ऐसे बनाना। तो ये जो मैंने बनाया, दिस इज द लाइन फार्मूला, किसका, इसका नाम भी बेटे हमारे पास क्या है, मतलब इसको सिंपल ऐसे में लिख दूंगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये मैंने क्या ड्रा किया है, ये मैंने ड्रा किया है 2,2-dimethyl प्रोपेन, ये भी हमारे पास है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, 1, 2 एंड 3, हर कॉर्नर एक कार्बन। तो ये पोजिशन करें इसकी, तो 1, 2, 3, ठीक है। तो फिर देख लें, ये भी मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन है ना, एक हमारे पास कॉर्नर आ रहा है, तो एक कार्बन, तो मतलब मिथाइल, तो मतलब इसका नाम भी हमारे पास क्या है, 2,2-dimethyl प्रोपेन, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूले है हमारे पास, तीन तरह के फार्मूले हैं, स्ट्रक्चरल, कंडेंस और लाइन, ठीक है। अब मैं आपको बेटे फोकस करवाता हूँ लाइन फार्मूला पे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, हम उनके लाइन फार्मूला लिखते हैं और उनके दूसरे जो कंडेंस या स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूँ, CH3, CH2, CH3, आगे लिख लेता हूँ CH2, CH3, ये बेटे हमारे पास क्या है, दिस इज द कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकते हैं आप इसको। अब इसका मैंने लाइन फार्मूला बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, मतलब मुझे 5 कॉर्नर्स बनाने हैं, 2 बन गए, 3 कॉर्नर बन गए, 4 कॉर्नर बन गए, 5 कॉर्नर बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 5 कॉर्नर पूरे, ओके। अब 1, 2, 3 पोजीशन के ऊपर 2 हमारे पास और कार्बन अटैच है, मतलब 2 कॉर्नर और बनाने पड़ेंगे,
1, 2, 3, ये 3 कार्बन होगी, एक ऊपर और एक नीचे, ये हमारे पास कार्बन अटैच है। तो ये जो आपके पास बेटे लिखा गया है, ये भी हमारे पास यही कंपाउंड है जो मैंने ऊपर ड्रा किया। समझ आ गई बात? नहीं आई तो और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मैं कहता हूँ वो कुछ इस तरह से है, वो आपके पास है CH3 कर लेते हैं, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसका हम लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे? लाइन फार्मूला लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन का मैंने एक चेन बनाना है, बनाए 1, 2, 3 हो गए, 4 कार्बन हो गए, 5 कार्बन का एक मैंने बना लिया। अच्छा, अब जो सेकंड कार्बन है उस पर एक 2 कार्बन का चेन लगा है, मतलब मुझे 2 कार्बन बनाने पड़ेंगे, तो 1, 2 कार्बन बन गए ना, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब मैंने इथाइल ग्रुप बना दिया। अब एक हमारे पास ऊपर बन जाएगा और अपन ये बना दिया, दैट इज मिथाइल ग्रुप, क्योंकि हर कॉर्नर बेटे एक कार्बन को शो करता है। तो ये जो मैंने ड्रा किया दैट इज, वो ये हमारे पास है जो ऊपर हमने ड्रा किया, ठीक है। तो लाइन फार्मूला को ड्रा करने का सिंपल तरीका यही है। अब इसकी फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन फार्मूला ही ड्रा करता हूँ। अच्छा, ये लाइन फार्मूला है कंपाउंड का मैंने ड्रा किया, इससे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं। देखो, ये हमारे पास है एक कॉर्नर, तो शो करेगा एक कार्बन को, ये दूसरा है ये शो करेगा दूसरे कार्बन को, ये तीसरा है ये शो करेगा तीसरे कार्बन को। अब हमारे पास ये चौथा आ रहा है, ठीक है, तो ये चौथे कार्बन को शो करेगा, हर कॉर्नर एक कार्बन। अब इन दोनों के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगाओ ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ऊपर को कार्बन जा रहा है तो एक ऊपर को कार्बन लगा दो, और एक इधर को जा रहा है तो इधर को कार्बन लगा दो। तो आप लाइन फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ड्रा कर सकते हो, हाइड्रोजन पूरे कर दो, ठीक है। आप इसको आप ऐसे लिख लो, या आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख लो स्टेट चेन के अंदर जैसे आप लिखते होते। तो बात एक ही है, बात में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बात वही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है, फर्क है सिर्फ लिखने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका आप नेम रखें जैसे मर्जी, इसका नाम आपके पास क्या होगा? इसका नाम आपके पास होगा 2-methyl, आगे आएगा 2-pentene, ठीक है। तो ये भी 2-methyl-2-pentene है, ये भी 2-methyl-2-pentene है, ये भी 2-methyl-2-pentene है। तो बेटा हमारे पास लिखने का फर्क है, चीजें सेम है, ठीक है। लाइन फार्मूला ड्रा करना आ गया, और लाइन फार्मूला से स्ट्रक्चर फार्मूला, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसको अगर समझें तो ये आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल हो सकती है। अच्छा चले, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अगर लिखना चाहूँ बैठे इथेन को, 2 कार्बन है तो मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल ऐसा, दिस इज इथेन, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। अच्छा, मैं प्रोपेन लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा? सो दिस वन इज प्रोपेन, एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन। अगर मैं लिखना चाहूँ ब्यूटेन, उसको कैसे लिखूंगा? 1, 2, 3, 4, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। पेंटेन लिखना चाहूँ उसको कैसे लिखूंगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉर्नर बनाने, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज पेंटेन। हेक्सेन लिखना चाहूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे लिख दूंगा, इन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज हेक्सेन। हेप्टेन बनाना चाहूँगा कैसे लिखूंगा? 1, 2, अब ऐसे कर लें, 7 कॉर्नर बना दिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज हेप्टेन। सिमिलरली बेटे ऑक्टेन, अगर ब्रांचेस वगैरह लगानी हो तो वो आपकी अपनी मर्जी है, जहाँ पे ब्रांच आएगी आप वहाँ पे ब्रांच लगा देंगे। तो हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को शो करता है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लाइन फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूँ, उनको लाइन फार्मूला लिखता हूँ मैं, और उस लाइन फार्मूला से हम देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत सारे लिख लेते हैं, जो समझ में आ गया उसको कर लेंगे।
तो फॉर एग्जाम्पल बेटे ये तीन लाइन फार्मूलाज मैंने लिखे हैं। अच्छा कैसे अब लिखेंगे इनसे, देखो कार्बन कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 कार्बन लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लिया। तीसरा चौथा, चौथे कार्बन पे क्या है, ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है दैट इज CH3, क्योंकि एक डॉट बन रहा है, एक कार्बन है तो हमारे पास CH3 हाइड्रोजन पूरे कर लो। तो ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये हमारे पास लाइन फार्मूला से हमने बनाया, ये दोनों सेम है ठीक है। अब सिमिलरली इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है क्योंकि 6 कॉर्नर बन रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन लिख लिए। और ये जो कार्बन बता रहा है यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड आ रहा है, हाइड्रोजन पूरे कर लो। तो ये जो आपके पास बना है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम आपके पास बन रहा है 1-hexene, तो ये आपके पास क्या है, ये वही है जो आपने यहाँ पे ड्रा किया। मतलब आप लाइन फार्मूला लिखने या ऐसे लिखने की बात है। अच्छा ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन इसको समझ लें आप। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ड्रा करना चाहता हूँ, गिनो कितने कार्बन की चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 की है, 6 कार्बन ड्रा कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन ड्रा कर लिए। अच्छा 1, 2, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल है, 1, 2, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल है, उधर से आगे उसके आगे वाले कार्बन पर मिथाइल है, उसके आगे वाले कार्बन पर भी मिथाइल लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। अब ये जो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, आप इसका नाम रख के देख लें तो वो आपके पास क्या नाम आएगा, इसका इसका नाम आपके पास क्या आएगा, इसका नाम आपके पास आएगा 2, 3, 4 इसका नाम आपके पास आएगा 3,4-dimethylhexane ठीक है। अब बेटे ये जो ये भी 3,4-dimethylhexane है, ये भी 3,4-dimethylhexane है ठीक है। तो लाइन फार्मूला लिख लें आप, स्ट्रक्चरल लिख लें, कंडेंस लिख लें, व्हाट्स एवर लिख लें बेटे, ये डिफरेंट तरीके हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करने के। तो लाइन फार्मूला वो तो नॉर्मली केमिस्ट यूज करते हैं या फिर हायर स्टडीज के अंदर हम नॉर्मली लाइन फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं उनको ड्रा करना चाहते हैं ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट लेक्चर के अंदर एक बेंजीन था, बेंजीन को आप इस फॉर्म में लिखते हो, मैं जरा इसको ज़्यादा अच्छे से बना लूँ। ऐसे ही लिखते हैं ना बेंजीन को आप, ये लाइन फार्मूला है असल में। कैसे लिखते हैं मतलब क्या है, हर कॉर्नर मतलब एक कार्बन, तो हर कॉर्नर मतलब एक कार्बन, ये दूसरा दूसरा कार्बन, तीसरा तीसरा कार्बन, चौथा चौथा कार्बन, पांचवा छठा, इस तरह से 6 कार्बन हो, हर कॉर्नर एक कार्बन लिख लिया। फिर कह रहे हैं इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है मैंने बना दिया, फिर अगले इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है मैंने बना दिया, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है मैंने बना दिया, हाइड्रोजन पूरे कर दो। असल में तो बेंजीन ऐसा है ना, जैसा ये मैंने ड्रा किया, ये जो हम इस फॉर्म में लिखते हैं दैट इज लाइन फार्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेटे तीन तरह के फार्मूले हैं बेसिकली, लाइन, स्ट्रक्चरल और कंडेंस। कंडेंस आप पे डिपेंड करता है आप कितना कंडेंस करते हैं ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं नॉर्मली केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्रा करने के लिए ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए बेटे नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।